क्विज अभ्यास क्लास 7 सब्जेक्ट है गणित और दिनांक है 19/2/2022। आज की क्विज के टोटल 12 क्वेश्चन है, तो आइए हम सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑनलाइन साइट से क्रेयोन ने वाई पैकेट मंगाने का विवरण शुल्क सहित कुल कीमत व्यंजक 20y+5 से दिखाया गया है। क्रेयोन ने 10 पैकेट मंगाने की कुल कीमत, पैकेट कितने हैं 10, वाई पैकेट मंगाने पर इतने रुपए लगते हैं, तो वाई की जगह हम 10 लिख देंगे, तो 20 को 10 से करेंगे 200 और 200 में 5 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 205 रुपये उसके 10 पैकेट मंगाने के लगेंगे। अगला है, संख्या प्रतिरूप का 5वां पद क्या है जिसका व्यंजक है 5n+8। हमें व्यंजक ये दिया गया है 5n+8, तो हम एन की जगह क्या रखेंगे 5 रख देंगे, तो 5 × 5 = 25, 25 और 8 कितने हो गए 33, तो 5वां पद क्या आएगा 33 आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पी बराबर 7 पर व्यंजक का मान 0 है तो बी का मान क्या होगा, तो हमें पी की जगह क्या रखना है 7 रखना है, तो ये तो हो गया 49, 7 × 7 माइनस ये कितना हो गया 35 माइनस 7 प्लस बी बराबर 0, 35 में 7 कटाएंगे कितना बचेगा 28, तो 49 माइनस 28 प्लस बी बराबर 0, 49 में से 28 कटाएंगे 21 प्लस बी बराबर 0, 21 प्लस का है दूसरे साइड में आएगा तो माइनस का, तो बी का मान हो जाएगा माइनस का 21, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाएं तीसरी भुजा की दुगुने से 5 इकाई कम है, त्रिभुज की समान भुजाओं की इकाइयों की लंबाई क्या है जबकि इसका परिमाप 75 इकाई है, तो समान भुजाओं की जो लंबाई आएगी वो आएगी 29 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक एल्यूमिनियम फ्रेम की लंबाई चौड़ाई लकड़ी की फ्रेम की तुलना में 3 यूनिट अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 7 इकाई और 4 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक आयताकार बगीचे की बाड़ लगाने की कीमत 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 64,500 रुपये थी, यदि बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है तो बगीचे का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आएगा 99,846 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और इसमें पूछा है कि आकृति की परिधि 69 सेमी है तो अक्ष का मान कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं आपको, भुजा की लंबाई दी गई है x+1, x+2, x+3, 2x+1 और x+2, सबको जोड़ेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे 69 लिखेंगे, सबको जोड़ने पर देखिए कितना आएगा x, ये 2x, ये 3x, 3 × 2 = 5x और 7 = 6x, और ये कितना हो गया 1, 3, 3 = 6, 1, 7 और 2 = 9, 6x+9 बराबर कितना आ गया 69 आ गया, 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बस कितना बचेगा 60 और x बराबर आ जाएगा 60/6 यानी 10, तो x का मान कितना आएगा 10 सेमी। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की एक भुजा उसके आधार के दोगुने से 3 मीटर अधिक है और भुजा आधार से 9 मीटर अधिक है, यदि त्रिभुज का परिमाप 48 मीटर तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई आएगी 9 मीटर, 18 मीटर और 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बराबर 300 का स्क्वायर, वाई बराबर 4 का स्क्वायर का ध्यान में रखते हुए 296 × 296 का गुणनफल क्या होगा, तो इसका इस तरीके से करेंगे हम, 300 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर - 24, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए 106 का स्क्वायर + 95 का स्क्वायर, तो इसका मान आएगा 20,261 यानी 106 × 106 + 95 × 95, इस तरीके से हम इसको सीधा सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, करती 203 × 195 को 203 × 195 200 + 3 200 - 5 के रूप में हल करती है, अगला चरण कौन सा होगा, तो अगला चरण यहाँ पर करती का होगा 200 का स्क्वायर + 3 + -5 × 200 + 3 × -5। अगला 302 और 296 को हल करने में सहायता कौन सा करेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्विज के टोटल 12 क्वेश्चन थे जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।